रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक चैनल को, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यू टेक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ओप्पो के रियलमी 1 को अपडेट, और देखेंगे कि इस अपडेट पर जो हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपडेट की जो फाइल है 105 MB के आसपास की है, और यहाँ पर रियलमी ने मेंशन किया हुआ है, रियलमी ओप्पो जो भी आप समझें, बाय द वे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इस अपडेट के थ्रू जो है आपके कॉल की स्टेबिलिटी को इंप्रूव किया है, एक सिक्योरिटी पैच इंक्लूड किया है। तो देखते हैं अपडेट करके कि हमें जो है क्या कुछ ओप्पो के रियलमी 1 में देखने को मिलता है। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ओप्पो रियलमी 1 अपडेट हो चुका है, और अपडेट होने में अराउंड 5 मिनट्स लिए होंगे, ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बाय द वे, यहाँ पर हम सबसे पहले जो है इसकी अपडेट की यानी कि सिक्योरिटी पेज चेक कर लेते हैं, हमें जो है कौन सा सिक्योरिटी पेज मिलता है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पेज दिया है ओप्पो ने या रियलमी ने, यार जो भी आप समझे, बाय द वे यहाँ पर जो सिक्योरिटी पेज है वो है मई 2018 का, जो कि काफ़ी पुराना है। एटलीस्ट यहाँ पर जून का सिक्योरिटी पेज तो होना चाहिए था, क्योंकि लेटेस्ट जुलाई चल रहा है। खैर जो भी है, अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी पैच मिला, क्योंकि इसमें जो है पहले काफ़ी पुराना सिक्योरिटी पैच था। आई डोंट नो, आई थिंक मार्च 2018 का सिक्योरिटी पैच था, तो उसके बाद में जो है आई थिंक मार्च का था, मुझे पक्का है कि नहीं है, बट अब जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिला है वो मिला है अब मई 2018 का, जो कि थोड़ा पुराना सिक्योरिटी पैच है। बाय द वे, यहाँ पर ओप्पो ने या रियलमी ने मेंशन किया हुआ था कि इन्होंने जो है नेटवर्क की स्टेबिलिटी को साथ साथ इन्होंने कॉल की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया है। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली जो इसका नेट कनेक्शन है 4G का यानी कि LTE, मैं जियो का सिम यूज़ कर रहा हूँ अपने इस डिवाइस में, और मुझे इसकी जो जियो की परफॉर्मेंस है वो डाउन लगी पहले के मुकाबले। बट हाँ, जो कॉल की स्टेबिलिटी या कॉल की वॉइस थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर आ रही पहले से, बट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा इतनी क्लियर वॉइस। तो ये एक इशू है, इस प्रॉब्लम को इन्हें जो है सॉल्व करना चाहिए। बाय द वे, अपडेट अच्छा है, आप अपडेट कर सकते हैं अगर आप जियो का सिम यूज़ नहीं कर रहे। मुझे जियो के साथ में प्रॉब्लम आ रही है, पहले मेरा काफ़ी अच्छा जो है इसमें नेट चलता था, बट अब नहीं चल रहा है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।